रमजान के रोजे रख के दुनिया से जाएं, हम नेक काम करके दुनिया से जाएं, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके दुनिया से जाएं, क्योंकि जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो जिना करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म हो जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो गीबत करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो चुगली करके दुनिया से जाता है उसका नाम। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाज़ों के जो मालिक हैं वो ठिकाने लग जाएं, ये जहाज़ों के जो मालिक हैं वो ठिकाने लग जाएं। और एक सुन्नत पे अगर अमल पैरा हो तो शेर जंगल के हों तो पाँव दबाने लग जाएं। हज़रत अभी मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब क़िबला की बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें मालूम हो रही थी कि हमें अदब किस तरीके से सीखना चाहिए, अदब के मुतालिक बहुत ही उम्दा उम्दा बातें कीमती बातें फरमा रहे थे। वाकई में इन बातों से हमें सबक हासिल करना चाहिए। बहरकैफ आइए वक्त के माया नाज खतीब बेबाग खतीब खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रतुल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना फुरक़ान रज़ा मंज़री साहब कुर्सी खिताबत पर हैं, उनका इस्तकबाल कर ले जोरदार तरीके से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से गाजी बाबा मुसलमाना ने कंटाई, नवाज जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बात याद रखी, अल्लामा फुरक़ान रज़ा मंज़री की जात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। ये अल्लामा साहब बैठे हैं, कुछ दिनों पहले मैंने इनका वीडियो देखा, वीडियो देखा कि उड़ीसा की सरजमी पर बहुत बेहतरीन अंदाज से ईमानदार खिताबत होती है। ईमान में एक ताजगी पैदा करने वाले खतीब का नाम फुरक़ान आलम मंज़री है, ऐसी खिताबत करते हैं, इनकी पहचान जो अपनी खुद एक पहचान बनाकर है, जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं, किसी की पहचान से नहीं जाना जाते, ये किसी अरे गैरे के नाम से नहीं, अल्लामा फुरक़ान रज़ा मंज़री बहुत बड़ी जात का नाम है। आप लोग बेदारी का सबूत देते हुए जो लोग पीछे बैठे उनसे मैं बड़ी अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, भाई आप आगे आ जाइए, आज अगर इनकी तकरीर दिल से सुनेंगे, मेरा ईमान कहता है या वजदान कहता है, आपके ईमान के अंदर एक अलग सी रोशनी, एक ताजगी बेदारी आपके अंदर आ जाएगी, आप आगे आ जाए, आगे आ जाए। ऐसा मैं शेर सुना रहा हूँ कि जो आज जो हमारे अंदर ये जो दाढ़ी है, अगर हमारे अंदर जो दाढ़ी है ये किसका देन है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान किसका है, और ये जो दाढ़ी जिसके वजह से सलामत है, आज अगर हमारा ईमान जिसकी वजह से सलामत है, सरकार आला हजरत की जात है। एक हाथ ख्वाजा हिंदल वली के नाम पे उठाइए और एक हाथ ख्वाजा हिंदल वली के नाम, एक हाथ आला हजरत की जात के नाम पे उठाए और अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर और एक मतलब नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरक़ान रज़ा मंज़री, नारे तकबीर। फराज़े दार पे जिक्र मौला ढूंढ लेते गए, फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते गए, अल्लामा साहब के मौजूदगी में मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मेरा शेर कोई अहरे गहरे नहीं होता है, जो उलमा रहते वो समझते गए। फराज़े दार किसे कहते हैं पूछ लीजिए, फांसी का फंदा होता गई। फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते गए, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते गए। फराज़े दार में, फराज़े दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते गए, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते गए। यजीदी पत्थरों में, यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते है हीरा ढूंढ लेते गए, मगर जो जौहरी होते गए वो हीरा ढूंढ लेते हैं। और हमारी हमारी चश्मे बीनी पर, हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, अमा हम बुखारी में भी मन कुन तो मौला ढूंढ लेते गए, हम बुखारी में भी मन कुन तो मौला ढूंढ लेते गए। और फसाए फसाए जैसे भी हो, फसाए जैसे भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, फसाए जैसे भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, अगर बहलूल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते गए।
मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा। जमी अरबाब मिंबर, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मौज़ा सामिनी किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैनि व रब्बिल मगरिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिल कौनैन व अला आलिही व असहाबिही फाज़ुफिद्दारैन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात यके बाद दीगर बेहतरीन नातो मनकबत और गाहे बगाहे बेहतरीन तकरीरें इस्लाहे मुआशरा के ताल्लुक से आप तमामी हजरात ने समात की। वक्त तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप हजरात के चेहरे देख करके, हालात देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। दो जगह मैंने ऐसी देखी, हालांकि बंगाल में हर जगह का इलाका ऐसा नहीं है, कुछ उड़ीसा के इलाके हैं और कुछ बंगाल के अंदर हैं, कि जहां पर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत अच्छे अंदाज में सुना जाता है और जब तकरीर का नंबर आता है तो या तो फ़ोन आने लगता है या उनको हाजत लगने लगती है। इतना याद रखना, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। इन कमेटी वालों से पूछो, दरवाजे दरवाजे भीख की तरह पैसा मांगा जाता है, तब कहीं जाके इतने बड़े जलसे वजूद में आते हैं। उसे थोड़े से मज़े की खातिर ख़राब ना करो। अगर आपका दिल नहीं करता है जलसे में जाने का तो घर से ही मत आओ। यहाँ आकर के एक मेहमान को सुनाओ, दूसरे के सामने आप चले जाएं, एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। एक मुसलमान का दिल रख लो और दूसरे का तोड़ दो, क्या ये एक सही सच्चे कामिल मोमिन की पहचान है? आप खुद बताओ। आप लोग, जब से मैं आया मुझे इतने मौजू दिए गए कि शायद मैंने ये जितने जलसे किए होंगे तो शायद मुझे इतने मौजू मिले हों। हाँ, जितने यहाँ पर आकर के मुझे मौजू मिले, कोई किसी मौजू पे तकरीर के लिए कह रहा है, कोई किसी मौजू पे कह रहा है, लेकिन सबकी बात मैं रखे हुए था। लेकिन अब आप मुझे बताओ मैं किसके कहने पे करूँ और किस मौजू पे तकरीर करूँ। ये हालात हैं आपके, वो उधर इलेक्शन लड़ा रहे हैं, कुछ आवाज़ें इधर से आ रही हैं, अब मैं इधर बोलूँ कि इधर की सुनूँ? ये एक कभी दिल रोता है कौम के हालात देख करके। चारों तरफ से मुसलमान सताए जा रहे हैं, हर तरफ से मुसलमान परेशान हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुलती इस कौम की। जगह जगह पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुलती इस कौम की। वो मुअज्जज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारे के कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। लाजवाब, क्या जहाँ नाक की हैसियत एक तलवार की है तो तकरीर की हैसियत उसकी धार की है। धार की है, जिंदाबाद। नाक दरिया है तो तकरीर उसकी मौज है। नाक कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट है। आप जहाँ नाते नबी सुनने से इश्क रसूल दिल में पैदा होता है,
वहीं तकरीर के जरिए लोगों के आमाल की इस्लाह होती है। जिंदाबाद। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, पीछे कुछ लोग बैठे हैं, दूर बैठे हैं, जरा थोड़ा करीब में आ जाए, 10 मिनट सुन लीजिए आप हजरात, फिर उसके बाद आपको इख्तियार है, चाहे अपने घर चले जाओ। और जो वहाँ मेरे भाई कमेटी वाले बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि अपना जो फाइल है, जो रजिस्टर है, उसे लेके यहीं पर आ जाएं और थोड़ी सी देर के लिए बयान सुन लें। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसकी आवाज़ बढ़ा दें, मेरा साइज़ देख लीजिए, जहाँ तक सीटी ना मारे वहाँ तक इसकी आवाज़ बढ़ाएं आप हजरात। हेलो 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 हेलो, जहाँ तक सीटी की आवाज़ ना आए, उस वाले की थोड़ी आवाज़ कम कर देना। हेलो हेलो, ठीक। अब थोड़ी सी देर सुकून का माहौल बनाएं। चाय का होटल चल रहा है, एक चाय वाले से पूरा हिंदुस्तान परेशान है, और यहाँ पर देखो तो हर तरफ चाय ही चाय, चाय ही चाय। बैठे आप हजरात, सदर साहब बैठे आप, अब आइए, अब सुने। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं है, 10 लोग भी बैठेंगे तब भी मैं बेफजल ही ताला 2 घंटे ही तकरीर करूंगा, समझ रहे हैं? मैं तो यहाँ गाजी पाक का फैजान लेने आया हूँ। जिंदाबाद। अब जिसे गाजी पाक का फैजान लेना है, जिन्हें ये दिल के अंदर तमन्ना है कि कयामत के दिन गाजी पाक हमारे काम आ जाएं, वो यहाँ पर बैठे, क्योंकि वली के कुर्ब से कुर्ब हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है, और वली के कदमों पे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद मंजरी, जिंदाबाद। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है, और वली के कदमों पे कलबो नजर निसार करो, अरे वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है, जिंदाबाद। वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है, और ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। अब आइए हम और आप मिलकर अहले सुन्नत के दस्तूर उसूल और जाब्ता के मुताबिक, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़मे हिदायत, नौशहे बज़मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमसुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़ी रोज़े जज़ा, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत और शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। लाजवाब तमाम लोग लाजवाब, मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगा कर, दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर उस नबी की बारगाह में पेश करें। ताजु शरिया फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसुद्दोहा कर दें, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे, और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। और फरमाते हैं, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम ताजु शरिया, अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर। बहुत खूब लाजवाब। अब पढ़िए मोहब्बत के साथ उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक के, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है।
पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातौ व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस माइक की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, जो जो उंगली चलती रहती है ना, एक जगह सेट करके सो जाइए आप। समझ नहीं रहे मेरी बात, उर्दू में बोल। हजरात एक शेर सुने पूरी तकरीर उसी पे। मुझे आपका पर्चा भी याद है, मैं पूरी तकरीर इस तरह से आज बयान करूंगा कि सारे मौजू उस तकरीर के अंदर आएंगे, ठीक है? और आपने मुझे सुन लिया तो कुछ ना कुछ पैगाम आज इस उर्से पाक से जरूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक शेर सुने कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। सुभान अल्लाह, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए और बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। मैंने 28 में पारे की एक आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम, ए ईमान वालो अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम और अपने घर वालों को बचाओ नारा जहन्नम की आग से। कुरान कहता है ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज अगर सही माना में अपने गिरेबान में झांक करके देखा जाए तो आज ना हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं और ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। आज अगर हम सही माना में देखा जाए तो अपने रब से डर नहीं रहे हैं, हम अपने अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, हम अपने परवरदिगार से नहीं डर रहे हैं। अभी पता चले कि कौनटाई में चौराहे के पास पुलिस मोटरसाइकिल की चेकिंग कर रही है या कार की चेकिंग हो रही है, तो जैसे ही पुलिस पे नज़र पड़ती है फौरन कार में बैठा इंसान बेल्ट लगाने लगता है कि अगर बेल्ट नहीं लगाई तो मेरी गाड़ी का चालान कट जाएगा, मेरे ऊपर पिलांटी पड़ जाएगी, मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। और मोटरसाइकिल पे चलने वाला इंसान इस बात से डरता है कि अगर मैं हेलमेट लगा करके नहीं गया तो मेरी गाड़ी का चालान कट जाएगा। वो वापस आता है घर से, हेलमेट लेता है और लेकर के फिर बाहर निकलता है। अब मुझे ये बताओ, हो सकता है कि कोई आपकी गाड़ी का चालान ना काटे, हो सकता है कि पुलिस के महकमे के लोगों की नज़र आपके ऊपर ना पड़े, हो सकता है आप अपनी मजबूरी बता दें तो वो आपकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं बल्कि मजबूरी को समझ करके आपको छोड़ दें, ये हो सकता है। हो सकता है उनकी नज़र आपके ऊपर ना पड़े। हज़रात ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है, ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो सिर्फ गाड़ी का चालान कट जाएगा, थोड़े बहुत पैसे देकर के छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ उर्से गाजी में आने वालों, कोई एक जगह मुझे ऐसी बताओ जहां तुम्हारा खुदा तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा रब तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। अगर तुम बाहर निकले हो तब भी तुमको अल्लाह देख रहा है, घर के अंदर बैठे हुए हो तब भी मेरा रब तुमको देख रहा है, लिहाफ के अंदर कितनी चैटिंग हो रही है यह भी मेरा रब देख रहा है, और बाहर बैठ करके किसकी बुराइयां हो रही है यह भी मेरा रब देख रहा है। इतना याद रखना, यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, यहां बहुत जल्दी हमें दुनिया छोड़ करके जाना है। पता नहीं कब यह दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। जब हम इस दुनिया से जाना ही है तो क्यों ना हम इस हाल में दुनिया से जाएं कि हम मस्जिदें आबाद करके दुनिया से जाएं। खत्म हो जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में ढाल लो, अपने आप को नबी का आशिक बना लो और चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा लो और इस्लामी लिबास पहन लो। उसके बाद अगर कब्र में गए तो चेहरा देख करके मदीने वाले मुस्तफा फरमाए मेरा गुलाम आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा।
नबी मुस्कुरा के फरमाए, कब्र में मेरा दीवाना आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, यही एक पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारू, इस्लामी सांचे में जिंदगी गुजारू। आज हम ना खुद को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। अगर आज हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी रही होती। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं और अपनी मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है। आज मस्जिदों में देखो, फजर में देखो तो वही गिने चुने नमाजी, जोहर में देखो तो वही गिने चुने नमाजी, असर मगरिब और ईशा में देखो तो वही चंद नमाजी है। और मस्जिद के बाहर निकल करके देखो तो बाहर बैठ करके इधर उधर की बातें हो रही है, बाहर बैठ करके गीबत की जा रही है, बाहर बैठ करके चुगली खाई जा रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इतना याद रखना, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हें मोबाइल चलाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, तुम्हें इधर उधर की बातें करने दुनिया में नहीं भेजा है, तुम्हें अय्याशियां करने के लिए दुनिया में रब ने नहीं भेजा है, तुम्हें दुनिया में भेजा किस लिए है? खुद मेरा रब फरमाता है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिस काम के लिए रब ने हमें पैदा किया, उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं। आज जिस काम के लिए रब ने हमें दुनिया में भेजा, आज उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, यूट्यूब पे गंदी फिल्में देखने के लिए हमारे पास वक्त है। ढाई ढाई घंटे की फिल्में ये कौम बैठ करके देखती है और 10 मिनट नमाज में लगते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाएंगे। मुझे इतना बताओ प्यारे मुसलमानों, बेनमाजी के बारे में हदीस पाक में आता है कि जब बेनमाजी कब्र में जाता है, अल्लाह उसकी कब्र में एक ऐसा अजदहा भेजता है, एक ऐसा सांप पैदा फरमाता है, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि वो सिर्फ अपनी फूंकार जमीन पे मार दे तो कभी सब्जा नहीं उगेगा, कभी घास नहीं उगेगी, ये हरी सब्जियां तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ फूंकार मार दे जमीन के ऊपर तो जमीन बंजर हो जाए, वो बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगाएगा और लगाने के बाद अपना फन बेनमाजी के मुंह के सामने करके कहेगा, बता फजर पड़ी है? कहेगा नहीं पड़ी, तो फजर से लेके जोहर तक डसता रहेगा। पूछेगा जोहर पड़ी है? कहेगा नहीं पड़ी, तो जोहर से लेके असर तक डसता रहेगा। वहां मौत तो आ नहीं रही है, अब मौत तो आ गई एक बार, अब कब्र के अंदर अजाब भुगतना है। अगर असर पड़ी होगी तो असर से लेके मगरिब तक छोड़ देगा, ईशा पड़ी होगी तो ईशा से फजर तक छोड़ देगा। अब मुझे बताओ, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आता है, जहां भाई भाई को दफन करके चला आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, वहां कौन है जो हमारे काम आएगा? मैंने इस छोटी सी जिंदगी में इतना तजर्बा तो कर ही लिया है कि कोई कितना भी प्यारा अजीज दुनिया से क्यों ना चला जाए, उसका घर का कोई भी इंसान ये नहीं कहता, एक रात मैं कब्र में इसके पास रुक जाता हूं। बस मेरे आका ने जो फरमाया, इंसान के 3 साथी हैं, एक वो जो मौत तक साथ आता है, काम देता है, दूसरा वो जो मौत से कब्र तक काम आते हैं, और तीसरे वो जो कब्र से हश्र तक काम आते हैं। जो मौत तक काम आता है वो उसका माल है। जब तक इंसान के जिस्म में सांस है तब तक अपनी दौलत से फायदा उठा सकता है, तब तक अपने माल से फायदा उठा सकता है। जैसे ही बदन से रूह निकली, माल बेकार हो गया और माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है, फिर उस माल का बंटवारा होने लगता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आका फरमाते हैं कि इंसान के 3 साथी हैं, एक वो जो मौत तक साथ देता है, दूसरा वो जो मौत से कब्र तक साथ देते हैं, और तीसरे वो जो कब्र से हश्र तक साथ देता है। हजरात, जो मौत तक काम आता है वो उसका माल है। जैसे ही रूह निकली, माल बेकार हो गया, जो कब्र तक काम आता है वो उसके घर वाले हैं, वो उसके अजीज व अकारिब हैं। कब्र के अंदर दफन करके, मनो मिट्टी के नीचे दफन करके चले आएंगे, कोई किसी के साथ कब्र में नहीं जाता है। अब कब्र तक जो साथ दिया जिसने, वो उसके घर वाले हैं, वो उसके रिश्तेदार हैं, वो उसके अजीज व अकारिब हैं, और कब्र से लेके हश्र तक जो साथ देता है वो उसके अच्छे आमाल हैं। जिंदाबाद, लाजवाब, क्या पैगाम, वो उसके अच्छे आमाल हैं। अगर अच्छे अमल करके दुनिया से जाओगे तो कब्र में आराम है, और अगर अच्छे काम करके दुनिया से नहीं गए तो मेरे इमाम ने बरसों पहले फरमाया था, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है।
हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए। आज हम जलसों में भी आते हैं तो मजे के लिए आते हैं, आज हम जलसों में भी पहुंचते हैं तो सिर्फ लुत्फ के लिए पहुंचते हैं। कहां हंसी मजाक की बातें मिलेंगी, कहां चुटकुलों की बातें मिलेंगी। कब तक जिंदगी ऐसे ही गुजारते रहोगे, कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला बफी सुर्रते तुराब। जब इंसान पैदा होता है, जो भी पैदा होता है, उसकी कब्र की मिट्टी जहां उसको दफन होना होता है, वहां की मिट्टी उसके नाफ के अंदर रख दी जाती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जिन कब्रों को हम भूल गए, कब्रें हमें नहीं भूली है, उनकी मिट्टी हम नाफ के अंदर लेकर के फिर रहे हैं। कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, जहां मामू भांजे को दफन करके चला आता है, उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आएगा। तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपने दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत का चिराग रोशन कर लो कि जब दुनिया से जाना हो तो मेरे इमाम की जुबान में यह कहा जाए कि लहद में इश्के रुखे सह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे सह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी दाग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, सीरत मुस्तफा, उर्से गाजी बाबा, उलमाए अहले सुन्नत। लाजवाब का पैगाम। कब्रों को देख लिया करो, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी चंद दिन गुजरे कोरोना काल को, मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में तीन तीन जनाजे देखे। इधर बेटे के जनाजे रखे, इधर बाप का जनाजा रखा है। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी देखा, वो जिनके पास दौलत थी, पैसा था, सरमाया था, जो कहते थे कि मैं अभी यहीं पर बिल्डिंगें बना सकता हूं, उनको वेंटिलेटर पे जगह तक नहीं मिली, गलियों में तड़प तड़प करके दुनिया से चले गए। इन्ना बत्श रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो, ये अजाब यूं ही नहीं आते, ये जलजले यूं ही नहीं आते, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती, ये सैलाब यूं ही नहीं आते, ये तूफान यूं ही नहीं आते। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब गीबतें ज्यादा होने लगती हैं, जब एक दूसरे को सताना आम हो जाता है, तो कभी कभी मेरा रब दिखा देता है दुनिया वालों को। जब इंसान सब कुछ अपने आप को समझने लगता है तो मेरा रब दिखा देता है। हजरात, जब इंसान ये समझता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, वो डॉक्टर जो कहते थे अमरीका के दुनिया में कोई ऐसी मर्ज नहीं है जिसकी दवा आज हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना के साइंसदान जो कहते थे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका सैंपल मेरे पास लेके आओ और आधे घंटे में मैं उसकी नकल ना दे दूं। जब ये कोरोना आया तो उनके वैज्ञानिक भी घुटनों के बल पड़ गए, अमेरिका के डॉक्टर भी घुटनों के बल पड़ गए, कोई इसकी दवा नहीं बना पाया। हावड़ा का स्टेशन देखो, पब्लिक के एतबार से सबसे ज्यादा बड़ा स्टेशन हावड़ा का माना जाता है। कोरोना काल में उस पर कुत्ते नाचने लगे, बिल्लियों की आवाजें आने लगी, सन्नाटा छा गया चारों तरफ। दिल्ली के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, लखनऊ के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल पड़ गए, साइंसदान घुटनों के बल गिर गए और आज तक कोरोना की दवा नहीं बना पाए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन करके रहना, अपने आप को कभी घमंड से आलूदा मत करना। मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका के डॉक्टर साइंसदान घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया वालों देख लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। लाजवाब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर,
लाजवाब बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरात कभी कभी मैं देखता हूँ जब हमको यहाँ प्रोग्रामों में आना होता है तो कभी स्टेशन पे हम वजू करने लगे तो वो कहते थे मौलाना जल्दी हटो ट्रेन छूटने वाली है, हमको पानी भरना है, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मैंने कहा मैं वजू कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत करूंगा, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज का वक्त हो गया है। कहते हैं क्या मौलाना बार बार हाथों को धोते हो, क्या मौलाना बार बार चेहरे को धोते हो, क्या मौलाना बार बार पैरों को धोते हो। हजरात कभी एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वहां पर वजू करते तो लोग आकर के पीछे से खड़े होते, क्या मौलाना पानी वेस्ट कर रहे हो, क्या मौलाना पानी को बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा मैं वजू कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं अपना चेहरा धो रहा हूँ, मैं अपने हाथों को धो रहा हूँ, मैं अपने पैरों को धो रहा हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। वो कहते थे मौलाना पानी को वेस्ट कर रहा है, वो कहते थे मौलाना पानी को बर्बाद कर रहा है। कल जिसको मेरा वजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसको मेरा वजू करना पानी को बर्बाद करना नजर आता था, आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने पैरों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। कल जिसको मेरा वजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही चेहरा धोने के लिए बोल रहे हैं, आज वही हाथ धोने के लिए बोल रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अपना रिश्ता मस्जिद से मजबूत कर लो। जो वजू करता है वजू में चेहरा भी धोया जाता है, वजू में हाथ भी धोए जाते हैं, वजू में पैर भी धोए जाते हैं। जो पांचों वक्त की नमाज के लिए अच्छे तरीके से वजू करता है वो बीमारियों से भी बच जाता है और अल्लाह की इबादत भी हो जाता है। जिंदाबाद, लाजवाब, क्या खितबा है हजरत। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जिंदाबाद, हक है, सुभान। जो लगाता है चेहरे पे वजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हजरात, तो आज हमको अपना रिश्ता मस्जिदों से मजबूत करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आज हम सही माना में अपने रब से डर रहे होते तो आज हमारी मस्जिदें सुनी नहीं होती, आज हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते, नमाज का वक्त होता तो मस्जिद में जमा हो जाते। एक जगह का हाल है कि एक बुजुर्ग गुजरे तो उन्होंने देखा इमाम साहब ने अजान दी, नमाज पढ़ने कोई नहीं आया, और इमाम साहब ने अजान दे दी, नमाज पढ़ने मस्जिद में कोई नहीं आया। बुजुर्ग हैरत से देखने लगे, बुजुर्ग ने इमाम साहब से कहा एक बार और अजान पढ़ना। एक बार इमाम साहब ने और अजान पढ़ी, 10-20 लोग आके मस्जिद के दरवाजे पे इमाम साहब से झगड़ा करने लगे, इमाम साहब से लड़ने लगे। कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने दो मरतबा अजान दी है, तुमने दो मरतबा अजान को पढ़ा है। वो बुजुर्ग कहते हैं जब एक मरतबा अजान दी गई तो तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए और झगड़ा करने के लिए यहां पर आ गए। तुम्हें अल्लाह ने पैदा किस काम के लिए किया है? तुम्हें अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। तुम आओ झगड़ा खत्म करो और अल्लाह की इबादत करो। हज़रते गिरामी, बताना मकसद यह है जिन कब्रों को आज हम भूल गए उनकी मिट्टी हम अपनी नाफ के अंदर लेकर के फिर रहे हैं। कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है ऐ मेरे ऊपर दौड़ने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं डर का घर हूं। जब मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, जब मेरे अंदर आए तो मेरी तारीकी को दूर करने का इंतजाम करके आना। ये अंधेरी कोठरी है, आला हजरत फरमाते हैं अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाहु अकबर। एक दिन मैं रात में अपने घर पे बैठा हुआ था, अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, मैं डरने लगा, बतकाजा बशरियत, डर महसूस हुआ। फिर मैंने कहा फुरकान, यहां तेरे घर वाले मौजूद हैं, यहां तेरे अहलो अयाल मौजूद हैं, अभी आवाज देगा भाई मदद को आ जाएंगे, अभी आवाज देगा तेरे घर वाले मदद को आ जाएंगे। कब्र
कब्र की काली कोठरी को तो याद कर ले, जहां बेटा बाप को दफन करके आएगा, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके आएंगे, वहां कौन होगा और वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया है। यहां रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया, तू डरने लगा, कब्र में तो तारीकी होगी, कब्र में तो अंधेरा होगा, वहां रोशनी का इंतजाम क्या किया है। तो सुनो, उलमाए किराम फरमाते हैं, जब इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के लिए वुजू करता है, तो जो आजा वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से गाजी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत रफ फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब आओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है कि हम नमाज की पाबंदी करें, हम अल्लाह की इबादत करें। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में रोजे रखें, गलियों में खाते पीते नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत करके अपनी जुबान पे तस्बीह पढ़ते हुए गलियों में निकलें, ताकि लगे कि नबी के गुलाम आ रहे हैं। और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनो। आका फरमाते हैं, अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका ने फरमाया, अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ। क्या फरमाया आका ने, अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, अपने नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो, अपने नबी की अकीदत उनके दिल में डाल दो। अब मुझे बताओ, उर्से गाजी में आने वालों, क्या औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत उन्हें बचपन से फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत क्या उनको सीरियल दिखाने से पैदा होगी? नहीं, बल्कि अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालो। जब खाना खाने के लिए बैठो दस्तरखान पे, तो कहो कि बेटा ये जो खाना मिल रहा है ये नबी के सदके में मिल रहा है। तो औलाद कहेगी, बाबा ये नबी कौन है? तब बताना बेटा, नबी वो है जिनके सदके में सारी कायनात पैदा की गई है, जिनके सदके में सारी कायनात बनी है। और बताओ कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। अपने औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की सच्ची अकीदत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता, कोई उसके अकीदे को लूट नहीं सकता। देखो बिलाले हबशी के दिल में नबी की मोहब्बत है, आग के शोलों पे लिटाया गया, तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। अम्मार इब्ने यासिर के दिल में नबी की मोहब्बत है, आपको जलती हुई आग के अंदर डाला गया, तब भी आपके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। हजरत मुसअब इब्ने उमैर को तमाम लिबास उतार लिया गया, तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा हजरत खुबैब ने नहीं किया। हजरत खब्बाब को जलती हुई आग के शोलों पे लिटाया गया, पीठ से इतनी चर्बी निकली कि आग के शोले बुझा दिए, तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, ताकि बदअकीदगी का कोई भी तूफान आए उनके ईमान को लूट ना पाए, उनके अकीदे को लूट ना पाए, और वो दुनिया वालों को ये पैगाम दे दे, जो पैगाम मेरे ताजुशरिया ने दिया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, नारे तकबीर, लाजवाब, बहुत खूबसूरत। तो आका ने पहली बात क्या बताई, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालो, नबी की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करो। अब दूसरी बात आका फरमाते, वह हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालो। सुभान अल्लाह, अरे अहले बैत के नाम पे बोलिए तलब के सुभान अल्लाह। आका फरमाते, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। फिर आगे आका फरमाते, वह किरातिल कुरान, और कुरान पढ़ना औलाद को सिखाओ। सुभान अल्लाह, अब तीन बातें हो गई, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, और फिर कुरान। अब आप देखें इन तीनों के अंदर कैसी आपस में मोहब्बत है,
मदीने वाले मुस्तफा ने पहले अपनी मोहब्बत, फिर अपने अहले बैत की मोहब्बत, फिर कुरान की तालीम, फिर कुरान पढ़ना, क्योंकि जो कुरान पढ़ा हुआ होगा वो अहले बैत की भी मोहब्बत को जानेगा, नबी की मोहब्बत को भी जानेगा। अहले बैत हैं कौन, अहले बैत में शुमार किसका होता है? वैसे तो अहले बैत में नबी के तमाम घर वाले शामिल हैं, लेकिन आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीस पाक है, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्स अहलल बैत व युताहिराकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबी व फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लाहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्लाहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज़्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दिया, तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया, जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई फदान नबी फातिमा व हसनन व हुसैना, तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, वजल्लाहुम बिकिसा और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया, व अली उन खल्फा ज़हरिही और मौला अली आका की पुश्ते अनवर के पीछे है, आका ने उनको सामने किया, वजल्लाहु बिकिसा और उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? चार तन चादर के नीचे आ गए, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और मौला अली। हजरत अब आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया, कितने तन चादर के अंदर हो गए? पांच तन चादर के अंदर हो गए, इसीलिए हम उनको पंजतन कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब लाजवाब। अब देखे आका ने चादर उड़ाई, इस नुक्ते पे गौर कीजिए, आका की चादर है क्या? वो मेरे आका की चादर मुबारक, वो मुजम्मिल वाली चादर, वो मुदस्सिर वाली चादर कि एक दिन मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई थी, अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आका की चादर मुबारक को लिया और अपने सर पे ओढ़ लिया। जब हजरत आयशा ने चादर को ओढ़ा तो आलम बाला में होने वाली बारिश को देख लिया, रहमत व अनवार की बारिश को देख रही है, मूसलाधार बारिश को देख रही है। आका तशरीफ लाते हैं, हजरत आयशा ने मेरे आका के लिबासे मुबारक को देखना शुरू किया, मेरे आका के जिस्मे मुबारक को हाथ लगा के देख रही हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या देख रही हो? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है। आका, इतनी तेज बारिश और आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, आयशा बारिश कहां हो रही है? अर्ज किया, आका मैं देख रही हूं बाहर कितनी बारिश हो रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने चादर मुबारक को सर से थोड़ा सा हटाया, इरशाद फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया, आका मैंने आपकी चादर को ओढ़ लिया है। मेरे आका ने जब चादर मुबारक को थोड़ा सा हटाया, फरमाया, अब देखो, जब हजरत आयशा ने देखा तो बारिश नहीं हो रही है, अब बारिश होना बंद है, अब बारिश रुक चुकी है। हजरत आयशा ने फिर ओढ़ा, फिर बारिश होती हुई नजर आई। आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुमने जो मेरी चादर को ओढ़ लिया है, इस चादर के बरकत से तुम आलमे बाला में होने वाली रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हो। हजरत आयशा सिद्दीका, जब मेरे नबी की चादर को ओढ़ ले तो रहमत व नूर की बारिश को देख ले। इधर नबी ने उड़ाया नहीं है, बल्कि खुद से हजरत आयशा ने ओढ़ी है, तो रहमत व अनवार की बारिश देख रही है। उधर मेरे आका ने हजरत अली को भी चादर उड़ाई है, हजरत फातिमा को भी चादर उड़ाई है, इमाम हसन को भी चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को भी चादर उड़ाई है, और इधर आका चादर में है नहीं, उधर पंजतन के साथ में मेरे आका चादर के अंदर है। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमत और नूर की बारिश को देख ले, इधर आका चादर
उड़ा दे, तो मुझे बताओ इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा, मौला अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा। ऐ उड़ से गाजी में आने वालों, मेरा ईमान कहता है कि मेरे आका ने मदीने में बैठे बैठे हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, उर्से गाजी बाबा अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, नारे तकबीर। माशाल्लाह जवाब खिताबत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे अदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। तो अहले बैत हैं कौन, अब आओ एक हदीसे पाक और सुनो और अपना ईमान ताजा करो। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, खतीब बगदादी की रिवायत है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मक्तूबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, तो जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, तो मैंने कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हूँ, आका क्या लिखा हुआ देखा है? आका इरशाद फरमाते हैं, लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमतु खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन व सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, व अला बागदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे बुग्ज रखता है, जो इनसे हसद रखता है, जो इनसे जलन रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब आप मुझे बताओ, मैं मानिकुद्दीन भाई के घर पे आऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मानिकुद्दीन भाई की इजाजत रही होगी, मैं नकीब अहले सुन्नत के मकान पर आऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत रही होगी, मैं मुफ्ती हबीबुर रहमान के घर पे जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुफ्ती साहब की इजाजत रही होगी, मैं सदर साहब के घर पे जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सदर साहब की इजाजत रही होगी। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के है बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे अदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हजरात, तो अहले बैत का मकाम बुलंद है, अहले बैत की अजमत बुलंद है, अहले बैत की शान बुलंद है। अब एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर उसके आगे करके मैं इन चार पांचों नामों का माना बताता हूं, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। अगर वक्त पे तकरीर करा दिए होते तो आज करबला का पूरा मंजर आपकी निगाहों के सामने बयान करता। अब रात के 2 बज गए हैं, अब यहां बैठकर 2 बजने वाले हैं, अब यहां बैठ करके करबला का मैं वाकया सुनाऊं। वाकया कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, सदियों से बयान होता हुआ आ रहा है, आज तक कोई मुकम्मल बयान नहीं कर पाया, और अहले बैत की शान कौन बयान कर पाएगा, अहले बैत का मकाम कौन बयान
सुरक्षित कर पाएगा। उनकी पाकी खुदाए पाक बयान फरमा रहा है, उनका जिक्र कुरान में है, उनका जिक्र हदीस में है, उनका जिक्र बुजुर्गों की जुबानों पे है। आज तक अहले बैत को लोग याद कर रहे हैं, आज हमारे वालिद दुनिया से चले जाएं, एक दो साल में हम भूल जाते हैं। दादा दुनिया से चले गए, आज तक उनकी कब्र का नामो निशान हमको पता नहीं, पर दादा दुनिया से चले गए पता तक नहीं कौन से कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन आज तक इन शख्सियतों को याद किया जा रहा है, आज तक इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, आज भी हजरत इमाम हसन का चर्चा हो रहा है, आज भी हजरत अली और हजरत फातिमा को याद किया जा रहा है। तो सुनो, इन हस्तियों ने अपने रब को राजी किया, इन्होंने अपने रसूल को राजी किया, अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, तमाम मुसलमानों के दिलों में नाम डाल दिया। जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, उर्से गाजी, नारा तकबीर। एक हदीस पाक और वाकया आपने सुना होगा, नजरान के कुछ ईसाई आए मेरे आका की बारगाह में, इसमें कुछ नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूं। आकर के बोले कि तुम हजरत ईसा को क्या कहते हो, तो मेरे आका ने फरमाया ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले तो क्या कोई बगैर बाप के भी पैदा हो सकता है, हम तो उनको खुदा का बेटा कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया माजल्ला, वो खुदा के बेटे नहीं, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले क्या कोई बगैर बाप के पैदा हो सकता है, तो मेरे आका ने फरमाया फिर आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। वो लाजवाब हो गए। तीसरे पारे में आयत करीमा है, आयत मुबाहिला, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इस बात को। तो आका ने फरमाया तुम अपने घर वालों को ले आओ, मैं अपने घर वालों को ले आता हूँ, तुम अपनी औरतों को ले आओ, मैं अपने घर की औरतों को ले आता हूँ, और मुबाहिला कर लेते हजरात। अब वो ईसाई गए मुबाहिले का चैलेंज करके, सुबह मुबाहिला होना है। तो ईसाइयों में एक बहुत बड़ा पादरी था जिसका नाम आकिब था, इन्होंने उससे जाकर के कहा ईसाइयों ने कि आज हम मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। तो आकिब ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया, जिस कौम ने अपने पैगंबर से लड़ाई की है उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तुम देखते नहीं, तुम भी जानते हो कि वो अल्लाह के रसूल हैं, ये तुम्हें भी मालूम है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, फिर भी चैलेंज करके आ गए। अब सुबह को तो मुबाहिला होना है। मेरे आका ने गोद में इमाम हुसैन को लिया, साथ में इमाम हसन चल रहे हैं, ठीक मेरे आका के पीछे हजरत फातिमा और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेरे खुदा। ये तरतीब देखें चलने की, शौहर आगे होना चाहिए, बीबी पीछे होना चाहिए, लेकिन यहां बीबी आगे है, शौहर पीछे है। अल्लाह अकबर। इस बात पे कभी आपने गौर किया, मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने आई हैं, वो सोचे इसमें हजरत फातिमतुज़्ज़हरा के पर्दे का लिहाज रखा गया है, ताकि हजरत फातिमा के कदम के निशान पर भी आसमान के चांद और सूरज की नजर ना पड़े। जिंदाबाद। जहां आका का कदम हो उसके ऊपर ठीक हजरत फातिमा का कदम, और हजरत फातिमा के कदम के ऊपर हजरत अली का कदम, ताकि उनके कदम के ऊपर भी किसी की नजर ना पड़े। आला हजरत कहते जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। वो हजरत फातिमतुज़्ज़हरा है जिनके पर्दे का ख्याल किया गया, जिनके पर्दे का लिहाज रखा गया, और एक ये भी ज़हन दिया जा रहा है कि जिस तरह फातिमा आज अपने बाबा और अपने शौहर के झुरमुट में जा रही है, कयामत के दिन फातिमा 70,000 हूरों के झुरमुट में ऐसे ही जन्नत में तशरीफ। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो हजरत फातिमतुज़्ज़हरा है। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया है और इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं, ठीक हजरत फातिमा मेरे आका के पीछे, उनके पीछे मौला अली शेरे खुदा हैं। हजरत ये पांच तन जा रहे हैं, तौहीद खुदाबंदी की दलील बन के जा रहे हैं, लोगों को निजामे कुरान समझाने के लिए जा रहे हैं, मजहबे इस्लाम की खातिर जा रहे हैं। अब आप जरा सोचिएगा कि जब बच्चे
बच्चे को गोद में लिया जाता है तो बच्चे को संभालना भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जो कोई बच्चे को गोद में लेता है, ये हमारे अनवार शमसी साहब हैं, ये बच्चे को गोद में लेंगे तो बच्चा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा। बच्चा संभालना भी पड़ता है जब गोद में लिया जाता है। अब एक को गोद में लिए हैं आका, एक बराबर में चल रहा है, वो कभी आका के पीछे चले जाते, कभी सामने आ जाते, कभी दिखते, कभी छुप जाते। इमाम हसन बच्चे थे, खेलते हुए चल रहे थे। हजरते गिरामी, अब बताना मकसद ये है, आका ने दोनों नवासों को सामने रखा और दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि ये मेरे दोनों नवासे शहादत का जाम पिएंगे। एक को शहादत सिर्री का शरफ हासिल होगा, जो कभी दिखता है कभी छुप जाता है, मेरा ये नवासा शहादत सिर्री का जाम पिएगा, और जिसे मैं दिखा रहा हूं ये शहादत जहरी का जाम पिएगा। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लेकर के, हुसैन को संभाल करके मेरे आका ने एक पैगाम दे दिया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज मैं दुश्मनों के मुकाबले में तुझे लेकर के आया हूं और तुझे सामने किए हुए हूं, तेरा नाना तुझे संभाले हुए है। कर्बला के मैदान में जब तू दुश्मनों के सामने हो तो परेशान मत होना, तेरा नाना जैसे आज तुझे संभाले हुए है कर्बला, मैं भी तुझे संभाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए कर्बोबला, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका ने हुसैन को सामने रखा ताकि दुनिया वाले देख ले, हुसैन का नाना हुसैन को बचपन में भी संभाले हुए हैं, हुसैन का नाना कर्बला के मैदान में भी हुसैन को संभाले होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मेरे आका इमाम हुसैन है। आप जरा सोचो तो सही, ये पंजतन है। पंजतन के नाम के अगर माना मैं आपको बताऊं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मोहम्मद के माना क्या आते हैं? अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन। मोहम्मद के माना आते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो, जिसका चर्चा कभी खत्म ना हो, जिसका नाम कभी भी खत्म ना हो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका की कैसी तारीफ हो रही है। अल्लाह ने अपने महबूब का ऐसा नाम रखा है, अबू जहल अदावत में मोहम्मद कह रहा है, हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में मोहम्मद कह रहा है, हो रही है नबी की तारीफ। अबू लहब अदावत में बोल रहा है, हो रही है नबी की तारीफ। मेरे नबी का नाम ऐसा नाम है कि अगर कोई मोहब्बत से ले तब भी नबी की तारीफ होती है, कोई अदाबत से ले तब भी नबी की तारीफ हो रही है। अब दूसरा नाम आता है अली। अली के माना क्या है? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा, जिसके माना आते हैं बुलंद। अली शेरे खुदा कैसे बुलंद है, अली शेरे खुदा कैसे ऊंचे हैं, अगर इसे समझना है तो सन हिजरी 8 में चलना पड़ेगा, जब नबी ने मक्के को फतह किया और काबे के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल के बाहर किया, तो मेरे आका ने देखा एक ऊपर चिपका हुआ है, फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेरे खुदा कहाँ है? अर्ज किया आका मैं हाजिर हूं, फरमाया आओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ के बाहर फेंक दो। अली शेरे खुदा कहते हैं आका मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं और आप इसको तोड़ दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ के बाहर फेंक दो। ऐ उर्से गाजी में आने वाले वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आकर के सलाम पड़े, वो नबी जो इशारा कर दे तो पत्थरों से सलाम की आवाज आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के सजदा करे, वो नबी जो जमीन पर खड़े होकर इशारा कर दे तो चांद दो हिस्सों में बट जाए, वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, इतनी ताकत आ जाती, इतना पावर आ जाता, इतनी शक्ति आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल अली को। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूलना, अली 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 अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, माशाल्लाह, रात भी लगा रहे,
लाजवाब नारा लगा रहे हजरत। आपको बात समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा इमाम हुसैन की शहादत से पैगाम क्या मिला हमें। बैठे ये मत देखिए कि हम लोग कम हैं। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। अरे बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। जिंदाबाद। क्या कहना। हमारी तादाद हमेशा से कम रही। मैदान बदर में देखो तो 313, मैदान उहद में देखो तो 1000, जंग मैदान करबला में देखो तो सिर्फ 72। हमको 22,000 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 72 हुसैनियों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। यहां हुसैन की मोहब्बत में बैठो हजरात, तो आका ने अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को एक पैगाम दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल इसे नीचा नहीं कर सकता। अली ऊपर से नीचे आए और मुस्कुराने लगे। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली मुस्कुराने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के सर में चोट लगती है, किसी के जिस्म में चोट लगती है। मैं इतने ऊपर से नीचे आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और अली कितना ऊपर गए हैं, अली शेरे खुदा को कितना बुलंद किया है। आला हजरत मतलाउल कमरैन में लिखते हैं कि अली शेरे खुदा से पूछा कि आप जब नबी के कांधे पे सवार हुए तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? तो अली शेरे खुदा कहते हैं, मैं इतना बुलंद हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं अपने हाथ से आसमान के किनारों को छू लूं। जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब। वो मौला अली। और बुलंद करने वाला कौन है? और बुलंद होने वाला कौन है? अली। मेरे आका की वो शान है इमाम आजम अबू हनीफा की एक किताब है, उसके अंदर अहादीस है। उसमें एक हदीस पाक है कि मेरे आका असर की नमाज पढ़ा रहे थे तो मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक आगे किया फिर पीछे कर लिया। सहाबा देख के हैरत में पड़ गए। नमाज के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आपने नमाज के दौरान हाथ को आगे किया फिर पीछे कर लिया, मामला समझ में नहीं आया। तो आका फरमाते हैं, उदनी तो मिनल जन्ना, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया था। जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो जन्नत से मुझे करीब कर दिया गया, तो मैंने जन्नत में अंगूरों का खोशा देखा, अंगूर का गुच्छा। तो मेरे आका फरमाते, मेरे दिल में आया कि मैं अंगूर का खोशा तोड़ के तुमको दे दूं, फिर मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो अब मुझे बताओ जन्नत है कहां? जन्नत सातों आसमान के ऊपर है, और आका नमाज कहां पढ़ा रहे हैं? मस्जिद नबवी शरीफ में, जमीन पे। और फरमाते, उदनी तो मिनल जन्ना, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया। जन्नत कहाँ है? जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घर है, सिदरतुल मुंतहा, ठीक उसी के सामने जन्नत का दरवाजा है। हजरात, तो जन्नत सातों आसमान के ऊपर है और आका फरमा रहे हैं कि मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया। इस बात पे आप गौर कीजिए तो सुनो, जन्नत को नबी के सदके में बनाया गया है, जहन्नम को नबी के सदके में पैदा किया गया है, सारी कायनात को नबी के सदके में पैदा किया गया है। रब ने जन्नत को हुक्म दिया, जन्नत तू मेरे महबूब के दर की गुलाम है, तू ही मेरे महबूब के पास चले। जिंदाबाद लाजवाब जिंदाबाद। तो जो इतने ऊपर हो वो महबूब के लिए नीचे आ जाए तो सोचो, उस महबूब ने जब अली को बुलंद किया होगा तो कितना बुलंद किया होगा, कितना ऊंचा किया होगा। अली शेरे खुदा कहते हैं, आका जब मैं ऊपर से नीचे आया, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ, तो नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था? तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है, तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। जिंदाबाद नारे तकबीर। तो नारे रिसाल। नाम अली,
अली के माना है अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। और अली शेरे खुदा ऐसे बुलंद हैं, ऐसे ऊंचे हैं कि नबी ने अपने कंधे पे सवार करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया, अब कोई माई का लाल अली को पटक नहीं सकता। और तारीख बताती है आपको हैदरे कर्रार कहा जाता है, कर्रार तकरार से बना, बार बार हमला करने वाला, पलट पलट के हमला करने वाला। शेर की ये खासियत होती है कि शेर यहां से छलांग लगाए, जहां कूदेगा ठीक वहीं से वापस पलट के कूद के आ जाएगा। ये शेर के अंदर खासियत है। अली शेर खुदा हैदरे कर्रार हैं। जब मुराहब यहूदी ने कहा तू मुझसे लड़ने आया है, तुझे पता नहीं मेरी बहादुरी का चर्चा मुल्क शाम और पूरे इराक में हो रहा है, तो मौला अली ने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, तुझे मेरे बारे में भी पता नहीं है, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, और मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, मैं झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूं। और कैसे बहादुर है मौला अली, आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। जंगे खंदक का मौका है। जंगे खंदक क्या हुई कि मदीने शरीफ के चारों तरफ खंदक खोदी गई, जिसमें खुद मेरे आका ने खंदक खोदने में हिस्सा लिया, और मेरे आका ने अपने पेट पे पत्थर बांधे थे जिस जंग में। कई कई दिन तक भूखे प्यासे रह करके खंदक खोदी गई थी। खंदक इसलिए खोदी गई ताकि कोई हमला करने के लिए आए तो खंदक पार करके मदीने में शामिल ना हो पाए। जैसे ये जो आपकी बस्ती है ना, क्या नाम है इसका मानिक भाई, काजी बस्ती, काजी बस्ती के चारों तरफ खंदक खोद दी जाए ताकि कोई दुश्मन जो है इसके अंदर ना आ पाए, अगर आए तो अंदर गिर जाए खंदक में। तो पूरी मदीने के चारों तरफ से एक छोटा सा रास्ता रखा गया आने जाने के लिए, बस खंदक खोदी गई। काफिरों के लश्कर में एक बहुत बड़ा बहादुर था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे वुद था, जो तनहा 1000 से लड़ता था, इतना बड़ा बहादुर। उसने लाकर के खंदक के करीब घोड़ा रोका और खंदक को देखा, और देखने के बाद घोड़ा दूर लेके गया, और जब वहां से दौड़ाता हुआ लाया खंदक के पास, आके एड़ लगाई घोड़ा खंदक के पार। उधर मुसलमान और मेरे आका सहाबाए किराम, उसने आते ही एक नारा लगाया हल मिन मुबारिजिन, है कोई तुम्हारे लश्कर में जो मुझसे मुकाबला कर ले। उधर काफिर खुशी मना रहे थे, चला गया हमारा बहादुर पहलवान, अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हजरात इधर उसने ये नारा लगाया है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, मेरे आका के तमाम सहाबाए किराम आका के चेहरे को देख रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा ने सहाबा पे नजर डाली, जब उसने ललकार के कहा कोई नहीं है मुझसे मुकाबला करने वाला, तो एक आवाज आती है रुक दुश्मन खुदा, तेरे गुरूर की गर्दन तोड़ने के लिए मैं आ रहा हूं। जिंदाबाद। मेरे आका ने देखा तो वो कोई और नहीं मौला अली शेर खुदा। नबी ने फरमाया अली ये अमर इब्ने बुद है, बैठ जाओ। फिर उसने आवाज लगाई कोई नहीं रहा मुसलमानों में, भेजो मेरे मुकाबले में। फिर अली शेर खुदा की आवाज आई रुक मैं अभी आता हूं। नबी ने फरमाया अली अमर इब्ने बुद है। अली शेर खुदा बैठ गए। फिर उसने जब ललकारा और कहा कि भेजो कोई नहीं रहा, तब फिर मौला अली शेर खुदा की आवाज आई रुक दुश्मन खुदा और रसूल मैं आता हूं तेरे मुकाबले के लिए। नबी ने अपने करीब बुलाया अली तुम इसे जानते हो, ये अमर इब्ने बुद है। मौला अली शेर खुदा ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं। कहा बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा पहलवान है। नबी ने जब ये फरमाया अली शेर खुदा कहते हैं आका मुझे ये भी मालूम है। कहा फिर भी मुकाबला करने जाओगे? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं मुकाबला करने जाऊंगा, अगर इसको अपनी ताकत पे नाज है मुझे आपकी रहमत पे नाज है। जिंदाबाद। इसे अपनी ताकत पे गुरूर है मुझे आपकी रहमत पे नाज है। नबी ने अपने सीने से लगाया, फरमाया अली ऐसे नहीं भेजूंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने अपना अमामा शरीफ उतारा और अली शेरे खुदा के सर पे सजाया, और अली को वो तलवार दी जिस तलवार को दुनिया वाले जुल्फिकार के नाम से जानते हैं। जब अली शेरे खुदा वो तलवार लेकर के मैदान में आते तो यही आवाज आती थी शाहे मर्दा शेरे यजदा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला
अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कोई बहादुर नहीं है मगर अली शेरे खुदा जैसा, और कोई तलवार नहीं है जुल्फिकार के जैसी। वो अली शेरे खुदा को नबी ने तलवार दी जुल्फिकार और इरशाद फरमाते हैं, अली जाओ मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया और जाकर के इस दुश्मन को दिखा दो। अब अली शेरे खुदा आ रहे हैं। अब जरा अली शेरे खुदा के आने का अंदाज देखो और मौला अली की शुजात पे नाज करो। अल्लाहु अकबर। उधर वो घोड़े पे सवार है, इधर मौला अली शेरे खुदा पैदल जा रहे हैं। उधर वो सर पे लोहे का खूद पहने हुए हैं, लोहे का हेलमेट पहने हुए हैं ताकि सर पे तलवार मारी जाए तो ये हेलमेट तलवार को रोक ले। चेहरे के ऊपर जो है वो चेहरे के ऊपर हेलमेट है और उस पे जंजीरें लटक रही हैं ताकि चेहरे पे तलवार मारी जाए तो ये जंजीरें उस तलवार को रोक ले। और सीने पे जिरा पहने हैं, लोहे की भारी और वजनी जिरा, ताकि सीने पे नेजा मारा जाए तो जिरा के अंदर जो है वो नेजा अंदर ना जा सके, तलवार का वार जिस्म के अंदर ना हो। वो सर से लेके पैर तक लोहे में मुलव्विस है, लोहे में पूरा पैक है। इधर मौला अली शेरे खुदा के सर पे नबी का अमामा शरीफ है, मुस्तफा जाने रहमत का अमामा शरीफ है। उधर वो घोड़े पे बैठा है, इधर अली पैदल जा रहे हैं, उधर वो पूरे जिस्म पे लोहे का सामान पहने हुए है, इधर सिर्फ मौला अली के पास में तहबन शरीफ और मौला अली एक कुर्ता शरीफ पहन करके उस दुश्मन खुदा का मुकाबला करने जा रहे हैं। जैसे ही अली शेरे खुदा उसके पास पहुंचे, उसने कहा, ए बच्चे तू मेरे मुकाबले के लिए कहां से आया है? उस वक्त अली शेरे खुदा पतले दुबले थे और आप पैदल चल रहे थे। उसने कहा, ए बच्चे तू यहां कहां आ रहा है? कहा, मैं तेरे गुरूर की गर्दन तोड़ने के लिए आया हूं, मैं तुझसे मुकाबला करने के लिए आया हूं। उसने कहा, क्या मुसलमानों में कोई बहादुर नहीं रहा? क्या कोई ये मेरी बेइज्जती की जा रही है? मैं इतना बड़ा पहलवान हूं जो तन्हा 1000 से लड़ता हूं। मेरा चर्चा सुनना है तो मुल्क के सामने सुनो। मेरी बहादुरी का चर्चा इराक में हो रहा है, मेरी बहादुरी का चर्चा मिस्र में हो रहा है, मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में है। तुझे पता नहीं मैं अमर इब्ने बुद्ध हूं जो तन्हा 1000 से लड़ता हूं? फरमाया, मैं तेरे बारे में खूब जानता हूं। कहा, तो तुझ बच्चे को मेरे मुकाबले में भेजा है, क्या कोई बड़ा नहीं रहा? मौला अली फरमाते हैं, अरे बड़े तो बहुत हैं, लेकिन किसी तुझको इस लायक समझा ही नहीं जो तेरे मुकाबले में किसी बड़े को भेजा जाता। तेरे गुरूर की गर्दन तोड़ने के लिए मुझे भेजा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारा 5 तन का 1 नारा हैदरी, शाने करबो बला, उर्से गाजी, हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर। हजरात, जब अली शेरे खुदा ने ये कहा तो कहता है, अच्छा ये बताओ तुम किसके बेटे हो? कहा, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। इतना सुनना था, अमर इब्ने बुद्ध बोला, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। कहा, क्यों? कहा, तुम्हारे वालिद अबू तालिब मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, हम बहुत गहरी दोस्ती थी हमारी, इसलिए अगर मैंने तुझे कत्ल कर दिया तो दुनिया मेरी दोस्ती को ताना देगी। कहा, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। मौला अली शेरे खुदा ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुझसे लड़ूंगा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि दोस्ती वो होती है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हो। जिंदाबाद। वो दोस्ती नहीं होती जो अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी में हो। यही पैगाम ताज शरिया ने दिया कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब। वो कहता है, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। कहा कि मैं तो तुझसे लड़ूंगा। अमर इब्ने बुद्ध कहता है, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, देखा कि जब कोई बात बनने वाली नहीं है तो मौला अली शेरे खुदा ने एक हरबा इस्तेमाल किया। फरमाया, तेरा एक कौल है, तेरा एक कहना है कि जो मुझसे 3 सवाल करता है उन 3 सवालों में से मैं 1 सवाल जरूर उसका पूरा करता हूं। कहा, क्या तेरा कौल है? क्या तू
तब भी इस कौल पे कायम है? अमर इब्ने बुद्ध ने कहा हाँ मैं इस कौल पे कायम हूँ, हाँ ये मेरा कौल है, हाँ मैं तीन सवालों में से एक सवाल ज़रूर उसका पूरा करता हूँ। तब मौला अली शेर खुदा ने फरमाया मेरे भी तुझसे तीन सवाल हैं, पहला सवाल ये है कि तू कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो जा, तू आ जा कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो जा। मौला अली शेर खुदा ने जब इतना कहा, कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, कहा अगर मैंने ये कर लिया तो गाँव में घुसने के लायक नहीं रहूँगा, औरतें मुझे तालियाँ बजा बजा करके मार देंगी, मेरे ऊपर ईंट और पत्थर फेंके जाएंगे कि कैसा बुजदिल था जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मौला अली शेरे खुदा ने कहा अच्छा तू ये बात नहीं मानता तो मेरी दूसरी बात ये है। कहा दूसरी बात क्या है? कहा दूसरी बात ये है कि तू घोड़ा वापस ले जा, जैसे कूद के आया है खंदक वापस चला जा, और जा लड़ाई मत करो, जंग छोड़ के चला जा, अपने घर चला जा। कहता ये भी मैं नहीं कर सकता, कहने लगा ये भी मैं नहीं कर सकता। मौला अली ने फरमाया क्यों? कहता है अगर ये भी कर दिया तब भी औरतें मुझे ताना दे करके मार देंगी, मैं बस्ती में घुसने के लायक नहीं रहूंगा। तब मौला अली शेरे खुदा ने कहा तू कलमा पढ़ करके मुसलमान भी नहीं हो रहा है और जंग छोड़ के भी नहीं जा रहा है, तो अब तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा वाली से मुकाबला कर ले, अब अली की बहादुरी देख ले, अब अली की सुजात देख ले। इतना बड़ा घमंडी था, इतना बड़ा मुतकब्बिर था अमर इब्ने बुद्ध। जब घोड़े से नीचे उतरा गुस्से में, तो गुस्से में घोड़े की टांगे काट दी तलवार से, ताकि अली मेरा ये मेरी ताकत को देख करके जंग छोड़ करके चले जाएं। लेकिन उसे क्या पता सम्मतनी उम्मी हैदरा, जिसकी माँ ने उसका नाम शेर रखा हो, वो कोई ऐसा वैसा शेर नहीं है जिनका नाम सुनकर के बड़ा बड़ा बहादुर मैदान छोड़ के चला जाए, बड़े से बड़ा पहलवान जिसका नाम सुनकर के पसीना छोड़ जाए, वो मुराहब यहूदी खैबर के गेट पे जिसकी गर्दन को जिसने काटा हो, उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं, जिसे हैदर कर्रार कहा जाता है उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। मौला अली शेर खुदा मैदान जंग में खड़े हुए हैं। अमर इब्ने बुद्ध ने घोड़े की टांगे काट के कहा आजा तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है। मौला अली शेर खुदा से कहता है तुम पहले मेरे ऊपर वार करो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मोमिन की ये शान है कि वो पहले किसी पे वार नहीं करता है, और जब कोई वार करता है तो मोमिन उसको छोड़ता भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काजी महल्ला के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तो उसने कहा अली संभाल अपनी ढाल को संभाल। अल्लाहु अकबर। लोहे में मुलव्वस, सर पे वजनी खूद पहने हुए हेलमेट जिसे हम कहते हैं लोहे का, गर्दन के नीचे तक, चेहरा भी ढका हुआ, सिर्फ आंखें दिखती हैं खूद के अंदर से, तलवार भी अगर कोई मारे तो कुछ असर ही ना हो, सीने पे जरा नेजा अगर कोई मारे तो उस पर भी असर ना हो, पूरा लोहे में। मौला अली शेर खुदा के ऊपर जब उसने वार किया तो अली शेर खुदा को हल्की सी खराश आई। अब आप जानते हो कि जब शेर जख्मी हो जाता है तो और खतरनाक हो जाता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, होता है। महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिनकी नजरों में, अरे अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। जिंदाबाद, हक है, बेशक। हम हुसैन के सच्चे आशिक हैं, हम मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं। मौला अली शेर खुदा ने जब तलवार उठाई, जुल्फिकार हैदरी उठी, इधर अली ने तलवार उठाई, उधर नबी ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए, इधर नबी के दुआ के लिए हाथ उठे, वो मुबारक हाथ मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है हम मेरे आला हजरत पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे आका दुआ करते हैं मौला मैंने अली को इस्लाम की खिदमत के लिए भेजा है, मौला मैंने अली को तेरे सुपुर्द किया है, मौला आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफर से लड़ रहा है, आज अली को शिकस्त हो गई मौला तो कोई तेरा नाम बुलंद करने वाला नहीं होगा, मौला अली को फतह अता फरमा दे, मौला अली को नुसरत अता फरमा दे। इधर नबी दुआ कर रहे हैं, उधर मौला अली ने तलवार को उठाया, लोहे का खूद कह रहा था इस तलवार का कुछ नहीं होगा, इसके वार का कुछ नहीं होगा, लेकिन तारीख बताती है जैसे ही खूद पे तलवार
पहुंची, खुद को चीरती हुई सर तक पहुंची। अब जिरा सोच रही थी, अरे जब खुद ने तलवार नहीं रोकी अली की तो मैं तलवार कैसे रोक पाऊंगी। अली की तलवार बीच में से चीरती हुई, अली शेरे खुदा की तलवार ने उस दुश्मन खुदा और रसूल के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था, एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था, और बीच में अल्लाह का शेर नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा फुरकान साहब मंजरी उर्से गाजी, नारे तकबीर। तो वो मौला अली है जिसकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं, जिसकी शुजात का कोई जवाब नहीं। उसे कितना बुलंद किया होगा नबी ने, कितना ऊंचा किया होगा नबी ने, उसकी शान को समझना है तो मेरे इमाम का शेर सुनो। मेरा इमाम फरमाता है, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर। वो मौला अली शेर खुदा है। हजरत अली शेर खुदा की शान आपने सुनी। पंजतन में पाँच नाम आते हैं। पहला नाम मेरे नबी का है, दूसरा नाम मौला अली शेर खुदा का है। मेरे नबी के नाम के माना आपने सुन लिए, मौला अली के नाम के माना आपने सुन लिए। अब तीसरा नाम है हजरत फातिमा का। फातिमा किससे बना? फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली। और वो बच्चा जो दूध पीते हुए मुंह दूध से हटा दे, उस बच्चे को भी कहा जाता है। लेकिन आओ मैं आपको बताता हूँ, आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? अर्ज किया, अल्लाह व रसूलहू आलमू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जान। आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब। कितने मान नाम हो गए? तीन नाम। अब बचे कितने? दो नाम। बताओ, बता दें या फिर तकरीर को खत्म कर दें? डेढ़ घंटे के करीब हो गया मुझे बयान करते हुए। ये दोनों नाम तो बाद में आएंगे ना, पहले इन दोनों का संगम होगा। पहले हजरत अली हजरत फातिमा का मिलन होगा, तभी तो इमाम हसन और हुसैन दुनिया में आए होंगे, है ना? तभी तो आए हैं दोनों। अब ये मिलन कैसे हुआ? मेरे आका जब जंग से फारिग हुए तो मेरे आका ने सोचा, लाओ अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए। सहाबा आए, नबी ने किसी को जवाब नहीं दिया। मौला अली शेरे खुदा जब आए तो नबी ने फरमाया, अली अभी तुम्हारे मेरे दरवाजे पे आने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके मुझे खबर दी कि मेरे महबूब से कह दो कि वो अली और फातिमा का निकाह कर दें, उनका अक्द मैंने आसमान पे बांध दिया है। किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसकी माँ तय करती है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता उसका खालू तय करता है। मौला अली शेरे खुदा की शान देखो, जिनके रिश्ते के लिए परवरदिगार हुक्म दे रहा है, महबूब से कह दो कि वो फातिमा और अली का निकाह कर दें। हजरात, जब मेरे आका ने हजरत अली शेरे खुदा से फरमाया, अली मेहर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज किया, आका तीन चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है, और दूसरी तीसरी मेरे पास सवारी है। फरमाया, सवारी तुम्हारे काम की है, तलवार तुम्हारे काम की है, ऐसा करो ये जिरा बेच के आओ और पैसा जितना हो मेरे पास लेकर आओ। आप बाजार गए, वहां उस्माने गनी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, वो उस्माने गनी, पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, अल्लाह दिल की अमीरी किसी किसी को देता है। वो हजरत उस्माने गनी जिन्होंने जब गज़बे तबूक के मौके पे मेरे आका को राह खुदा में माल दिया था, अपना आका की बारगाह में ऊंटों से लदा हुआ सामान के साथ ऊंट भेजे थे, तो आका ने दस्ते मुबारक उठा के दुआ की, मौला आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे उससे कोई मुआखजा ना हो। जो कुरान को जमा करने वाले हैं वो उस्मान गनी, जो जुन्नुरैन हैं वो उस्मान गनी। किसी सहाबी को ये मकाम नहीं मिला जो मकाम उस्मान गनी को मिला है कि नबी की दो शहजादियाँ यके बाद दीगर उस्मान गनी के निकाह में आई हैं। उन्हें जुन्नुरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। आला हजरत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नुरैन जोड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा
नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर, जिंदाबाद तू है नूर तेरा सब घराना। तो वो उस्मान गनी जिंदाबाद। कहते अली कहा, कहा ये जिरा बेचने आया हूँ। फरमाया मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो जिरा खरीदी मौला अली शेर खुदा से। अब देखो उस्मान गनी की सखावत में दिखाना चाहता हूँ, चाहते तो पैसे ही पैसे पहले दे देते, लेकिन नहीं, पहले जिरा खरीदी। और खरीदने के बाद जब मौला अली चलने लगे, कहा अली बात सुनो। कहा क्या बात है? कहा आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं अली, आज तुम्हारा निकाह हजरत फातिमा से होने जा रहा है, इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं, ऐसा करो ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। अब मौला अली आए, मेरे नबी ने फरमाया जरा बेच दी? कहा हाँ या रसूल, कहा जरा भी है और पैसे भी, दिरहम भी? कहा या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी ने जरा ली और मुझे पैसे पहले दिए, बाद में जरा तोहफे में दे दी। नबी ने फिर दुआ की उस्मान गनी के लिए। मेरे आका ने दस्ते मुबारक उठाया और जितने दिरहम और दीनार हाथ में आए, बिलाल हबशी और हजरत सलमान फारसी को दे के कहा कि जाओ मेरी बेटी फातिमा के लिए जरूरत का सामान खरीदो। जितने दिरहम बचे हजरत उम्मे सलमा को दिए, फरमाया जाओ और इससे फातिमा के लिए जरूरत का सामान खुशबू वगैरह खरीदो। इस निकाह पे कुर्बान जाओ। शादियां बहुत होती हैं, निकाह हमारे यहां पर भी होते हैं, लेकिन किसी के निकाह में बेनमाजी, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं। उस निकाह की अजमत पे कुर्बान जाओ जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा। हजरात, मेरे आका ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में जा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह, अबू बकर की दौलत कब काम आएगी? आका, अबू बकर का पैसा कब काम आएगा? आका इजाजत दे, हम फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे ताकि ये दुनिया देखेगी कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। उनसे गाजी में आने वालों, आका रो के इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा, जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया, आज जहेज की लानत ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, आज जहेज की लानत ने कितने घरों के अंदर जो है गम और अंधों का माहौल कायम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लड़की अगर किसी के घर में पैदा हो जाए तो उसके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, वो सोचता है कहां से इसकी परवरिश करूंगा, कहां से इसकी के लिए इतना सामान इकट्ठा करूंगा। जिसके घर में तीन तीन बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आती, गरीब रातों में उठ उठ करके रोता है, कहां से मंगनी के लिए पैसे लाऊं, कहां से दिकनौर के लिए पैसे लाऊं, और कहां से वो जो बीच में रिश्ता तलाश करके जुड़वाता है जिसे दलाल कहते हो, हमारी तरफ तो बिचपई कहा जाता है, कहीं कहीं बिचौलिया भी कहा जाता है, एक एक लाख रुपए, दो दो लाख रुपए सिर्फ रिश्ता जुड़वाने के वो ले रहा है। मुझे बताओ, गरीब जिसके पास में 300-400 रुपए की मजदूरी करने वाला, 500 रुपए की मजदूरी करने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, दूसरों के घरों में काम करके 400-500 रुपए कमा करके लाने वाला, जो घर में बच्चों का पेट पाले या उनकी शादियों के लिए जहेज का सामान इकट्ठा करे, जिसके घर में तीन तीन बेटियां जवान हैं, रात को नींद नहीं आती, उस गरीब को उठ उठ करके रोता है, वो बेटियां अपने बाप का रोना देखती हैं, अपनी किस्मत पे रोती हैं, मौला तूने हमें बेटी ना बनाया होता, आज हमारा बाप हमारी वजह से आंसू नहीं बहाता, आज हम अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देखते, आज मुआशरे ने, जहेज की लानत ने मुआशरे को उस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। अगर शादी हो भी जाती है किसी गरीब बेटी की, तो बाद में उसको इतने ताने दिए जाते हैं, तेरे बाप ने ये सामान नहीं दिया, तेरी माँ ने ये सामान दे के नहीं भेजा, हमारे घर में ये सामान लेकर नहीं आई। मुझे इतना बताओ, मैंने जहेज को एक दो साल, तीन चार साल के बाद में जहेज खराब
खराब होते हुए देखा है, बैंड टूटते हुए देखा है, मैंने गाड़ियां डैमेज होते हुए देखी हैं, गाड़ियां कबाड़ खाने में बिक जाती हैं, जहेज जलने के काम आता है, लकड़ी का सामान गल जाता है, कीड़े उसको खा जाते हैं, गला देते हैं, फिर वो सामान जलने के काम आता है। क्या अच्छा होता किसी मुसलमान का दिल रख लेते, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, अल्लाह ने बेटा क्या दे दिया, भीख मांगने का कुदरती परमिट मिल गया, अल्लाह ने नूरे नजर क्या दे दिया, भीख मांगने का तुमको लाइसेंस मिल गया, क्या अच्छा होता। अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला भी नहीं है, मौला मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो है, मौला मेरे घर में मेरा बेटा तो है, मौला मेरे घर में मेरा नूरे नजर तो है। अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्या हुआ उस बेटे की बोली लगाई जाती है, उस बेटे के नाम पे इतना जहेज मांगा जाता है, फला को मेरे पड़ोस में बैगनार मिली है, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, फला को पड़ोस में स्प्लेंडर गाड़ी दी है, मुझे मेरे बेटे की शादी में अपाचे या बुलेट चाहिए, इस तरह के मुतालबात किए जाते हैं। मैंने अपने इलाके में एक साहब जहेज का मुतालबा करते फिर रहे थे, मैंने कहा तुम गाड़ी खुद क्यों नहीं खरीदते, कहा मैं खुद नहीं खरीदूंगा, मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा, मैंने कहा परेशान मत हो मेरे साथ में चल, मैं इमाम साहब से कह देता हूँ एक जुमा नहीं दो जुमे नहीं तीन जुमों में ऐसी तकरीर करेंगे, मैं खुद तकरीर करके तेरे ताल्लुक से बताऊँगा, और तीन जुमों में इतना चंदा इकट्ठा हो जाएगा कि तेरे पास गाड़ी आ जाएगी, हम तेरी गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। नाक चढ़ा के मुझसे बोला, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रख है, क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो जो मैं चंदे की गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा जालिम भिखारी उसे नहीं कहते जो गली में झोली डाल करके फिरे, भिखारी उसे नहीं कहते जो सिर्फ दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर के मांगे, अरे उसे भी भिखारी कहते हैं जो लड़की वाले के दरवाजे पे मांगे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो बेटे के नाम पे लड़की वाले के दरवाजे पे जाकर के जहेज का मुतालबा करे। अगर तुझे गाड़ी ही लेने है, अपने बाजुओं पे भरोसा कर, अपनी जेब पे भरोसा कर, अरे अपने पैसे से खरीद के लाएगा, अल्लाह उसमें बरकतें देगा, और भीख मांग के लेगा उसमें बरकत नहीं होगी। अरे तुझे नाज इतना ही है तो अपनी मेहनत की कमाई से ला। मेरा ये ईमान है कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। नारे अगर मांगना है तो मस्जिद के दरवाजे पे आचा, मांगना है तो रब की बारगाह में झुक जा, मुसल्ला बिछा ले, नमाज पढ़ के रब की बारगाह में अर्ज कर, मौला मुझे वो दे जिससे मेरा भी भला हो, मेरे घर वालों का भी भला हो। रब इतना अता फरमाएगा तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इंसान के देने से पूरा नहीं होता है, कोई इंसान कितना भी दे दे उससे घर का पूरा नहीं होता है, पूरा तब होता है जब मेरा रब अता करता है, जब मेरा रब देता है तब घर बार चलता है, जब मेरा रब देता है उसमें बरकतें होती है। तो मांगना है तो रब से मांग, मांगना है तो रब की बारगाह में आ जा। किसी गरीब का दिल तोड़ने का सबब क्या बनते हो, गरीब दिल जोड़ने का सबब बन जाओ। अल्लाह ने बेटा दिया है, ऐसी शादी करो, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, उर्से गाजिये मिल्लत, हजरत अल्लामा फुरकान साहब मंजरी। ऐसी शादी करो, कुरान में रब फरमाता है वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे रिंगने वाला कोई भी जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो, सबको रोजी अल्लाह देता है, वो राजिक है, गिजा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में, जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे रब की रजा पे राजी हो के ले लो। जिंदाबाद, क्या पैगाम है हजरत, करने जा रहा हूं, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, बैठे पांच मिनट और बैठे, देखे बात आ गई तो मैं बता रहा हूं। जिंदाबाद। मौला अली शेरे खुदा का अक्द निकाह फातिमा तो जहरा के साथ होने जा रहा है। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। हे सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया आका महर क्या रखा है, तो मेरे आका ने दिरहम और दीनार जो महर रखा वो तो रखा ही,
उसके बाद मेरे आका जब अपने घर आए तो फरमाया कि मुझे मेरी बेटी फातिमा से तनहाई में बात करने दो। अजवाज मुतहरात हुजरे में चली गईं, आका हजरत फातिमा के पास बैठे। बाप हो तुम बेटी वाले हो, जरा दिल पे हाथ रख के बताना। आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज हम लड़के की शादी करते हैं तो 10 बार पूछते हैं, बेटा फला खानदान में तेरी शादी करने जा रहे हैं, बता लड़की पसंद है, पता क्या खानदान पसंद है। आज तो हम नबी की हदीस पे अमल कर ही कहां रहे। आका ने क्या फरमाया था, मिश्कात शरीफ के अंदर है, आका फरमाते तुनकहुल मरअतु लिअरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फजफर बिजातिद दीन। आका इरशाद फरमाते जब कोई निकाह करता है तो या तो लड़की का माल देख के निकाह करता है, या उसका खानदान देख के निकाह करता है, या उसका हुस्न व जमाल खूबसूरती देख के निकाह करता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह करता है। मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो दौलत मत देखना, हसब नसब खानदान मत देखना, उसकी खूबसूरती मत देखना, उसकी दीनदारी को देखना, बेशक उसकी परहेजगारी को देखना। देखो आका ने क्या फरमाया, दीनदार लड़की को इख्तियार करो। क्यों? क्योंकि माल जो है वो जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, हुस्न जमाल जो है, आज का हुस्न क्या हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद में देख लो, ये मस्नूई हुस्न है, ये मिटने वाली चीजें हैं। दौलत जमीन पे काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। आका ने फरमाया दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो, क्योंकि जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो जमीन के ऊपर भी काम आएगा, दीन जमीन के नीचे भी काम आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दीनदार लड़की जब घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा, घर में दीनी माहौल हो जाएगा। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने कहा बाबा मेरा महर क्या रखा है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा ने कहा बाबा मुझे महर अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया सीने से लगा के बेटी को, बेटी जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तब से लेके मेरी लाडली तूने आज तक मुझसे कोई सवाल नहीं किया, आज तक तूने मुझसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है। जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका को बुलाया, कुछ सामान था बंटवारा करना शुरू किया, जोड़े अपनी एक बेटी को दे दिए, जेवरात अपनी एक बेटी को दे दिए, कुछ बर्तन थे एक बेटी को दे दिए। जब हजरत फातिमा का नंबर आया नबी ने फरमाया खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तब हजरत खदीजा ने मेरे नबी से अर्ज किया या रसूल अल्लाह फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ, जब भी मेरी बेटी किसी चीज का सवाल करे मेरी बेटी को सवाल को पूरा करना। नबी सीने से लगा के फरमाते मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी लाडली तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मुझसे किसी चीज का मुतालबा किया है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था बाबा मैं तुमसे सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं तुमसे चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मैं कोई जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने पूरी पूरी रात आपको आंसू बहाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है बाबा बस इतनी सी इजाजत मिल जाए, कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफात के लिए दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे, बस इतनी सी इजाजत मिल जाए। अल्लाह अकबर। आज इस उम्मत को आप देखें, ऐसा कौन सा गुनाह है जो इस उम्मत में मौजूद रही है, आज हर गुनाह इस उम्मत के अंदर मौजूद है। कौम मूसा में पैदा हुए होते तो मिटा दिए गए होते, कौम समूद में पैदा हुए होते तो पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते, कौम आद में पैदा हुए होते तो कब का अजाब आ गया होता। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर 9 अजाब आए, कभी जुओं का अजाब आया, कभी मेंढक का अजाब आया, कभी खून का अजाब आया, लेकिन उस उम्मत में तुम पैदा हुए हो, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में इस उम्मत से अजाब उठा लिया गया। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए रब की रहमतों ने जवाब दिया, महबूब अल्लाह की शायान शान नहीं कि
अल्लाह उस कौम को अजाब दे जिसमें आप तशरीफ फरमा हो। नबी के सदके में अजाब उठा लिया गया। आज जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, हम कितना अपने नबी को याद कर रहे हैं, कितना हम अहले बैत को याद कर रहे हैं, कितना हम हजरत फातिमा को याद कर रहे हैं। आज हमारे घरों के माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहे। आज हमारे घरों के अंदर दिन भर फिल्मों की बातें होती है, पूरे पूरे दिन घर में टीवी चलती है, सामने फिल्में बैठ करके देखी जाती है। आज हमारी बेटियां बहनें माए फिल्में बैठ करके सीरियल देख करके अपने दिन और रात गुजार रही है। कौन सा मुंह लेके जाओगी हजरत फातिमा के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगी हजरत जैनब के सामने। जरा उनके पर्दे की शान देखो। हजरत फातिमा तो जहरा के पर्दे की शान तो ये थी कि आप कभी दिन, जब तक पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, तो दिन में अपने वालिद के घर में आ जाती थी। लेकिन तारीख इस्लाम बताती है जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में अपने वालिद के घर आई। अल्लाह अकबर। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा से ज्यादा साफ दिल किसका होगा। ऐ मेरी प्यारी बहन, अगर तू चाहती है कि कयामत के दिन हजरत फातिमा का साया तुझे मिले, हजरत जैनब के झंडे का साया तुझे मिले, तो हजरत फातिमा की सीरत को अपना ले, हजरत जैनब की सीरत को अपना ले। अगर तू बेपर्दा मेलों में घूमेगी तो मुंबई की वो आवारा तुझसे खुश होंगी, और अगर पर्दे के साथ घूमेगी तो हजरत पर्दे के साथ घर में रहेगी, पर्दे के साथ घर में रहेगी। सब कत लिसानी की वजह से हुआ, पर्दे के साथ घर में रहेगी तो हजरत जैनब खुश होंगी, हजरत फातिमा तुझसे खुश होंगी। अब तुझे ये इख्तियार है कि हजरत फातिमा को राजी करना है, हजरत जैनब को राजी करना है, या मुंबई की उन आवाराओं को राजी करना है जो तुझे पहचानती तक नहीं, जो तुझे जानती तक नहीं, जिनके सीरियल देख करके नमाजें छोड़ दी, रोजे छोड़ दिए, घर का इस्लामी माहौल तुमने खत्म कर दिया, जिनके सीरियल देख करके घरों से इस्लाम को तुमने अलग उठा करके रख दिया, वो तुम्हें जानती तक नहीं है। अगर याद करना है तो हजरत फातिमा को याद करो, जो तुम्हें रातों को भी याद करती रही, दिन को भी याद करती रही। हजरत जैनब के तरीके पे चलोगी, हजरत फातिमा के तरीके पे चलोगी, तो कयामत के दिन जब हजरत जैनब हजरत फातिमा जन्नत की तरफ जा रही होंगी, तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगी, अपने साथ तुमको जन्नत लेकर के जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत फातिमा, सीरत मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, लाजवाब पैगाम। अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और खुद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। घरों में नमाज की पाबंदी और खुद भी नमाज के पाबंद बनो। लाजवाब। तो हजरत फातिमा से नबी ने फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजी जाती। मेरे महबूब से कह दो कि महबूब फातिमा से कह दो, कयामत में दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम। ये निकाह है बरकत वाला, ये निकाह है अजमत वाला। जब ये निकाह हुआ, रुखसती हुई, अल्लाह का कुरान सुनो। रब फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तकियानि बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुलुउ वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुलू और मरजान पैदा होते हैं। लुलू और मरजान क्या है? ये एक किस्म के हीरे हैं, और लुलू और मरजान जिसके पास होते थे वो बादशाहों का बादशाह माना जाता था। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो लुलू और मरजान क्या है,
और दो समंदर कौन हैं? तो फरमाते हैं ईमान ताजा हो जाएगा आपका। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वो जो दो समंदर है, एक समंदर का नाम मौला अली है और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, नारे तकबीर। जब इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए, आका तशरीफ लाए, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया अली नाम क्या रखा है। अर्ज किया आका मैं तो जंग से मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो हरब नाम सोचा है। फरमाया हरब नहीं रखा जाएगा, एक का नाम हसन रखा जाएगा, एक का नाम हुसैन रखा जाएगा। मेरे आका ने एक का नाम हसन रखा, एक का नाम हुसैन रखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर के खबर दी, या रसूल अल्लाह दो नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे और वो आपके नवासों को अता फरमाए हैं। अल्लाहु अकबर, क्या शान है इमाम हसन की, क्या शान है इमाम हुसैन की। वो हसन वो हुसैन जिनका नाम जन्नत से आ रहा है, जिनके जोड़े जन्नत से आ रहे हैं, जिनका खाना जन्नत से आ रहा है। कौन हुसैन है? हुसैन की अजमत को समझना है तो हुसैन के नाम को आप देख लो। चार हर्फ हैं हुसैन के नाम में। पहला हर्फ है हा, दूसरा हर्फ है सीन, तीसरा हर्फ है या, चौथा हर्फ है नून। और ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। ऐ उर्से गाजी में आने वालों, हां ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या ओ हुसैन है? कौन इमाम हुसैन है? आप जरा देखें तो सही। बचपन से लाजवाब है, जिनकी जवानी लाजवाब है, जिनका बचपन लाजवाब है, जिनकी हर हर अदा लाजवाब है। हुसैन की शान बताता हुआ चलूं तो घंटे गुजर जाएंगे और तकरीर करते हुए दो घंटे मुझे हो चुके हैं। बस एक आखिरी बात बताता हूँ, करबला का पैगाम मैं आपको बता करके अब मैं आपके सामने से गुजरना चाहता हूँ। दो घंटे हो गए। देखें आप देखें, हुसैन का पैगाम बता दूँ फिर उसके अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। हुसैन करबला के मैदान में आए हैं और आपके साथ में कितने लोग आए हैं? 72 जानिसार जो करबला में शहीद हुए हैं, उसमें मस्तूरात भी हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। हजरात, यहां पहुंच करके मैं 72 शहीदों की बात कर रहा हूं। 72 के मुकाबले में कितना बड़ा लश्कर आया है, 72 के मुकाबले में जो लश्कर आया है उस पर आप गौर कीजिए। 22,000 का लश्कर आया है, 72 का मुकाबला 22,000 से, कोई आपकी तस्लीम करती है? अरे डबल आ जाते 72 के मुकाबले में, 3 गुना आ जाते 72 के मुकाबले में, 4 गुना आ जाते 72 के मुकाबले में। ये 22,000 का लश्कर इतने 72 के मुकाबले में क्यों आया? तो सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। 72 देख रहे हो, उधर इब्ने जियाद ने 22,000 का लश्कर भेजा है और 22,000 लश्करी, उसमें उसके जो सिपे सालार थे, उसके जो कमांडर थे लश्कर के, वो 72 को नहीं देख रहे थे बल्कि 72 में देख रहे थे, क्योंकि उन 72 में मौला अली का शेर भी है, मौला अली का शहजादा भी है, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को काटा हो, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा हो, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा हो, वो जिसका नाम सुन के बड़े से बड़ा पहलवान पसीना छोड़ के चला जाए, पसीना छोड़ के मैदान छोड़ करके भाग करके चला जाए, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। हजरत यजीदी जानते हैं ये शेरे खुदा का शेर है, इसकी रगों में भी हैदरे कर्रार का खून दौड़ रहा है, इसके शिरियानों में भी हजरत फातिमा का दूध खून बनकर के दौड़ रहा है। ये अली शेरे खुदा का शेर है, इसका मुकाबला करने के लिए ये 22,000 भी कम पड़ जाएंगे। अल्लाह की शान व कुदरत थी। यके बाद दीगर जब 71 शहादतें हो जाती है, जब मेरा इमाम मैदान करबला में जाने की तैयारी करता है, मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है, मेरी
हमारी माँ बहनें भी प्रोग्राम सुनने आई है और ये पैगाम दिन में आप पहुँचा भी देना। इमाम हुसैन जब खेमे के अंदर आए तो क्या देखा, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने फरमाया था मेरे अहले बैत और कुरान हमेशा साथ रहेगा, इनका रास्ता कभी अलग नहीं हो सकता, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करेंगे। हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, इधर बेटे शहीद हो गए लेकिन हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, भाई के बाजू कलम हो गए हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, हजरत कासिम की जवानी लुट गई हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। मेरी माँ बहनें क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को, जो टीवी की सीरियल को नहीं छोड़ती कुरान की तिलावत छोड़ देती है, जो फिल्म पर्दे के ऊपर देखना नहीं छोड़ती और नमाजें छोड़ देती है, वो क्या जवाब देंगी कयामत में। अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मेरे इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब, अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। एक सर्द आहली हजरत ज़ैनब ने, आंसू निकले कुरान के औराक पर गिरे, हजरत ज़ैनब ने तिलावत को रोका, खड़ी हुई अपने भाई का चेहरा देखा और कहती है भाई मैदान करबला जा रहे हो? अर्ज किया हाँ बहन। मेरे हुसैन ने कहा हाँ बहन मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, क्योंकि जानती है ना भाई अब्दुल्ला बनने जा रहा है शहादत का। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन के सर पे अमामा शरीफ सजाया, हजरत फातिमा की चादर का पटका कमर में बांधा, अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, अमीर हमजा की ढाल दी, जाफर तैयार का नेज़ा दिया, हजरत ज़ैनब ने अपने भाई को अपने हाथों से दूल्हा बनाया। मेरे इमाम ने कहा बहन ज़ैनब, तुम्हारा भाई करबला के मैदान में जा रहा है, एक वसीयत करके जा रहा है। मेरी बहन, जब तू हुसैन के सीने पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेजे लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्ची और भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरी बहन, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक हुसैन का साथ दिया, हर मकाम पर साबिरा और शाकिरा रही है। मेरी बहन, जब हुसैन के शहादत को तू देखे तो सब्र से काम लेना। मेरे हुसैन ने बहन ज़ैनब को सीने से लगाया, उसके बाद मेरे हुसैन ने अपनी बीबी शहरबानों को सीने से लगा के कहा तू ईरान के शहंशाह की बेटी, तू एक बादशाह की बेटी, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, हुसैन के साथ तुझे जमीन पे चटाई पे लेटना नसीब हुआ, लेकिन हर मोड़ पे तू सब्र करती रही, अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। तेरा शौहर तुझसे राजी है, तेरा शौहर तुझसे खुश है, तू अपने शौहर के जिस्म पे जब तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे पर्ची लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को देखा, तड़प गए मेरे हुसैन। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों का दर्द एक बाप ही समझ सकता है। हुसैन ने सीने से लगाया अपनी लाडली को, हुसैन ने कलेजे से लगाया अपनी बेटी सकीना को, फरमाया बेटी करबला के मैदान में जा रहा हूं। हजरत सकीना ने कहा बाबा वहां से चचा बास वापस नहीं आए, मेरे बाबा मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बहन, हर मोड़ पे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रहना। आज मैं अपनी बेटी सकीना तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, मेरी बेटी दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी को सीने से लगा के रखना, मेरी बेटी को कलेजे से लगा के रखना। मेरा हुसैन अपनी बेटी सकीना को हजरत ज़ैनब को देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, बोले बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। हुसैन ने सीने से लगाया अपने बेटे को, फरमाया मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे नबी की आल का सिलसिला चलेगा। अब यहां पहुंच करके एक बात मैं आपको बताता हूं, यजीद के तारीख में 14 लड़के और 6 लड़कियां आता है। यजीद इतनी औलाद रखता था, उधर हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, पूरी दुनिया को आप छान करके देख लो, यजीद की नस्ल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी और हुसैन की नस्ल आपको हर इलाके में मिल जाएगी, हर जगह आपको हुसैन की नस्ल मिल जाएगी। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक
पहचान आप कर लेना। हुसैन चाहते तो अली अकबर को रोक लेते, इख्तियार था करबला के मैदान में, हुसैन चाहते तो अली असगर को रोक लेते, इमाम जैनुल आबिदीन को ही क्यों रोका? तो सुनो, इमाम जैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? हजरत शहरबानो के। और हजरत शहरबानो का निकाह किसने पढ़ाया है? उमर फारूक आजम ने। हुसैन ने इमाम जैनुल आबिदीन को रोक के ये पैगाम दे दिया, बेटे जो तेरी नस्ल का सैयद होगा, जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा, वो सहाबा से मोहब्बत करने वाला होगा। और आप देखो, इमाम जैनुल आबिदीन वापस आए, आज पूरे दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। ऐसा क्यों? एक वो जानवर होता है जिसे खिंजीर कहते हैं, और दूसरा वो जानवर है जिसे बकरी और बकरा कहते हैं। आप देखो, उसकी कुर्बानी नहीं होती है, उसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है, और उस पैदाइश के एतवार से वो 12-13 बच्चे पैदा करता है एक बार में, और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे, बहुत हुए तो 4 बच्चे। बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते? लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते कि नहीं? मिलाद शरीफ हो तो बकरा कुर्बान हो, उर्स की महफिल सजे तो बकरे कुर्बान हो। तो नस्ल उसकी कम होना चाहिए कि जो कुर्बान होता है, और नस्ल उसकी बढ़ना चाहिए कि जो 12-13 बच्चे एक बार में पैदा करे? उसकी नस्ल कम और बकरी और बकरे की नस्ल ज्यादा? तो सुनो, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने अपने रब के नाम पे कुर्बानी दी, अपने रब के नाम पे जामे शहादत नोश किया, अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटने नहीं दिया, हुसैन की नस्ल को बढ़ा दिया, इतनी बरकत दी कि आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे दूर क्यों जाते हो, चल करके किछौछा की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। आज पूरी दुनिया में सैयदों की शक्ल में जो हुसैन की नस्ल मौजूद है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो मेरे हुसैन की नस्ल को अल्लाह ने बढ़ा दिया, इतनी बरकत दी कि आज भी हुसैन की नस्ल मौजूद है। और ऐसा साथी बनाया कुरान का अहले बैत को कि हुसैन कुरान को ऐसा सीने से लगा के रखे कि जब तक सर जिस्म से लगा रहा तब भी कुरान की तिलावत करते रहे, और जब सर तन से जुदा हो गया, नेजे पे बुलंद किया, तब भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, तब भी मेरा हुसैन कुरान पढ़ रहा है। हजरात, ये मेरे आका इमाम हुसैन है। जब निकले अपने खेमे से, अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेच के बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेच के बाजार सूना कर गए, करबला में यूं ही चमकी है दुकाने अहले बैत। मेरा हुसैन मैदाने करबला में आया, आखिरी खुतबा दिया ताकि कोई बहाना यजीदियों के पास न रहे। उसके बाद कहा, शिमर ने कहा, हुसैन क्या हसब नसब इसलिए बता रहे हो कि मौत से डर गए? फरमाया, मौत से डरना कैसा, मौत की सख्ती कैसी, मैली है पोशाक बदल डालूंगा, आजा जिस पे तुझे नाज हो उस पहलवान को मेरे मुकाबले में भेज, भेज अपने बहादुर से बड़े बहादुर को हुसैन के मुकाबले में। 2-4 आए भी थे, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिए। मशवरा किया कि अकेले मत जाओ, एक एक करके मत जाओ, ये शेरे खुदा का शेर है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तब यजीदियों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, अगर हमला करना है तो यकबार की हमला करो, चारों तरफ से तीरों की बारिश करो, चारों तरफ से नेजे चलाओ, फातिमा का शहजादा बीच में, चारों तरफ से नेजे चल रहे हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश। हुसैन जख्मों से चूर चूर होकर के अपने घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे, मेरे हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया,
अपनी पेशानी सजदे में रख दी, रब की बारगाह में अर्ज करते अल्लाहुम्मा रजन बे रजा कजाई व सबरन अला बलाई, मेरे मौला क्या हुसैन की ये अदा तुझे पसंद है, मौला तू हुसैन से राजी है। आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना आजा आजा। अल्लाह अकबर, हुसैन सजदे की हालत में है। हुसैन जाते जाते दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे, वो हुसैन की तलवार जब मैदान करबला में चमकी तो हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूलियों की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के बोला अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सिनान बोला कहां से रोकूं, खुली बोला काहे को रोकूं, करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे जैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके, वो तलवार जिसे 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत ना रोक सकी। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि वो तलवार जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी, जैनब के आंसू देख कर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देख कर नहीं रुकी। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम आराम से रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अपने घरों में एयर कंडीशन रूमों में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेजे चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, बर्ची चल रही है हुसैन सजदा कर रहे हैं। अब उर्से गाजी में आने वालों, सच्ची मोहब्बत हुसैन की तभी होगी जब हुसैन के बताए तरीके पे चलोगे, हुसैन के बताए रास्ते पे चलोगे। हुसैन ने नमाज की पाबंदी की है, तुम भी नमाज को उसके वक्तों पे पढ़ो, तुम भी नमाज को उसके वक्तों पे अदा करते रहो। हुसैन अपने आशिकों को एक पैगाम दे के जा रहे हैं कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाजें इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों को उसके वक्तों पे अदा करो, मरने के बाद नमाज काम आएगी। लाजवाब पैगाम हजरत। नमाज कब्र में रोशनी का काम करेगी। जिंदाबाद। नमाज मैदान महशर में सबसे पहले पूछी जाएगी। हक है। तो जिस चीज का सवाल सबसे पहले हमसे होगा, हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए, हमें उसको उसके वक्तों पे अदा करना चाहिए। ये एक पैगाम है। हुसैन जो करबला से हमको पैगाम दे के गए, वो पैगाम क्या था कि हुसैन चाहते तो घोड़े पे थे, तब सर को तन से जुदा कर दिया जाता, जब सजदे में गए तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया गया। ये सजदा हुसैन का बता रहा है, तुमसे कभी ना होगी कजा फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। जिंदाबाद। तुमसे कजा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। हुसैन करबला से हमें नमाज का पैगाम दे के जा रहे हैं। तो कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है, ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी नमाज पढ़ो और घर वालों को भी नमाज के लिए कहो। खुद भी बुरे कामों से बचो और घर वालों से भी कहो कि बुरे काम नहीं करना है। अल्लाह को राज़ी करो, उसके रसूल को राज़ी करो, अल्लाह उसका रसूल तुमसे राज़ी हो गया। जब तक दुनिया में रहोगे आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में आराम से रहोगे, मैदान महशर में नबी के झंडे का साया नसीब होगा। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबकते लसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व तूब इलैह। कलमा तैयब मेरे साथ मिलकर के पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम।